जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकमणि आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर्दियाँ आ गई हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में जो गठिया रोग होता है, अर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन होता है, गाउट होता है या संधिवात होता है, इस तरह की समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और रोजाना ही हजारों लाखों सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, घंटी का आइकन जरूर दबाएं, समय समय पर हमारे चैनल पेज गुरु रजनीश ऋषि पे जाना ना भूलें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे गुरु मारुकमणि या गुरु रजनीश ऋषि जी सर्च अवश्य करते रहें। एक आपको किस्सा सुनाना चाहूंगी। लगभग 3 साल पहले इसी प्रकार की समस्या हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी को आई थी। बहुत ज्यादा उनके जॉइंट्स में पेन होने लगा था, गठिया के रोग हो गया और काफी वो परेशान रहे। लगभग 6 महीने उन्होंने अपना उपचार किया, जो भी डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी, उन्हें डॉक्टरों को दिखाया, उनकी दवाइयां खाई, या टीवी में बहुत सारे इश्तेहार आते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं और वो तरह तरह का तेल बताते हैं, वो भी गुरुजी ने प्रयोग किया। और जितने भी लोग जिनको पहले से ही गठिया की समस्या है, उन्होंने जो बताया गुरुजी को, वो भी उन्होंने ट्राई किया, बहुत सारे तेल लगाए, बहुत सारी क्रीम लगाई, बहुत सारी दवाइयां भी खाई, लेकिन उनको लगभग 6-7 महीने ये सब करने के बाद भी कोई भी आराम नहीं आया। उसके बाद गुरुजी ने ये संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने एस्ट्रोलॉजी द्वारा ही इस रोग का भी उपचार करूँ। जिस प्रकार से गुरुजी ने बहुत सारे रोगों के लिए अलग अलग उपचार ढूंढा है, बहुत सारे लोगों को उनकी बीमारियों में राहत दी है, तो उन्होंने यही संकल्प किया कि अब मैं एस्ट्रोलॉजी से इस गठिया के रोग का भी इलाज ढूंढूंगा। उन्होंने अपने लिए वो इलाज किया, एस्ट्रोलॉजी का वो उपाय किया, सारी दवाइयां, सारे तेल, सारी क्रीम उन्होंने सब बंद कर दी और केवल अपने एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उन्होंने जब उपाय किया तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उनको जरा सा भी जॉइंट पेन की शिकायत नहीं रही। उसके बाद लगभग आज 3 साल होने जा रहे हैं, पिछले साल भी उन्हें कोई समस्या नहीं थी, इस साल भी कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद बहुत से अन्य लोगों पर भी उन्होंने इस चीज को आजमाया और बहुत से गठिया रोग वाले व्यक्तियों को, बीमार लोगों को, रोगियों को उन्होंने आराम दिया है। तब मैंने ये सोचा कि सर्दियों में हो सकता है मेरे जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है उनको भी समस्या उठती हो, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ, जहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। गुरुजी अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपके इस रोग को छूमंतर करने में सक्षम है। आपके स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं, आप उस पर हमारे यहाँ संपर्क करिए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से गुरुजी आपके इस जॉइंट पेन का, अर्थराइटिस का, गठिया के रोग का इलाज कर दें। आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, मात्र एस्ट्रोलॉजी से ही आपका रोग ठीक हो जाएगा। अगर आपका रोग 1-2 साल पुराना है तो उसमें आपको तुरंत आराम आने लगेगा। तो आप इस उपाय को जो गुरुजी बताएं आपको नंबर्स पे फोन करिए और गुरुजी द्वारा बताया हुआ जो उपाय है आप उसको फॉलो करिए, अवश्य ही आपको उससे लाभ होगा और आपकी ये जो जॉइंट पेन की समस्या है, गठिया की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं गुरु मारुकमणि आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप सभी स्वस्थ रहें, आपका तन स्वस्थ रहे, किसी भी प्रकार का रोग आपको ना सताए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आपको आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और काम कब स्विट्जरलैंड में रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ मैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे तो उपाय करना पड़ेगा। तो मैंने किया कि देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में गुरु माँ ने जो अंगूठ दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में मेरे को अभी, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से अच्छा कर सकते हैं, तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।
जय सनदेव, थैंक यू गुरुमा, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।